हेलो स्कॉलर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश का इन्फ्लुएंस। दिस इज़ मिस्टर सील गौतम विद यू। स्कॉलर्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम द नावल रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय एन एमिनेंट राइटर थॉमस हार्डी। दीज कैरेक्टर्स आर थॉमसिन यूब्राइट एंड डायमंड वाइल्डिव। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Damon Waldeeb is the villain of the novel Return of the Native by an eminent writer Thomas Hardy. Damon Waldeeb यह इस novel Return of the Native का villain है, जो novel एक famous writer Thomas Hardy के द्वारा लिखा हुआ है। Damon Waldeeb is a local innkeeper, वह एक local धर्मशाला चलाने वाला व्यक्ति है। He is an ex-engineer, वह एक ex-engineer है। He is running the Quiet Woman Inn, वह एक Quiet Woman Inn चलाता है। He is famous as Lady Killer, वह Lady Killer के रूप में प्रसिद्ध है। First he attracts Thomsin, but does not marry with her, सबसे पहले वह Thomsin की तरफ अट्रैक्ट होता है लेकिन उससे शादी नहीं कर पाता। बट लेटर डायमन वाइल्डी मैरिज विद थॉमसिन, लेकिन बाद में वो थॉमसिन से शादी करता है। ही हैज़ ए डॉटर विद हर, उसके साथ उसको एक बच्चा पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है। मिसेज यूब्राइट इज अगेंस्ट देयर मैरिज, मिसेज यूब्राइट जो कि थॉमसिन की आंट हैं, वो उनकी शादी से सहमत नहीं हैं। आफ्टर दैट ही फॉल्स इन लव विद यूटिसिया, शादी के बाद वाइल्डी यूटेसिया से प्यार करने लगता है। यूटेसिया आल्सो लव्स विद हिम, यूटेसिया भी वाइल्डी से प्यार करती है। ही इज हैविंग फ्लडिंग नेचर, उसके अंदर एक फ्लड नेचर है, इश्कबाजी करने वाला नेचर स्वभाव। ही कीप्स फ्लडिंग बिटवीन थॉमसिन एंड यूटेसिया, वह थॉमसिन और यूटेसिया के बीच में फ्लड करता रहता है। बट व्हेन क्लाइंट कम्स फ्रॉम पेरिस, जब क्लाइम पेरिस से वापस आता है, शी स्टार्ट्स लविंग विद हिम, यूटेसिया क्लाइम से प्यार करने लगती है। एज शी वॉन्ट्स टू गो टू पेरिस, जैसे कि उसकी काफ़ी इरादा है, वो काफ़ी पहले से उसका पेरिस जाने का, बाहर जाने का काफ़ी इच्छा है। शी मैरिज विद क्लाइम वेरी सून, वो बहुत जल्द ही जो है क्लाइम से शादी कर लेती है। बट क्लाइम डिसाइडेड टू लिव एट गॉन, लेकिन अंत में क्लाइम एडगॉन अपने गांव में ही रहने का निश्चय करता है। एज ही वांट्स टू ओपन अ स्कूल, वह एक स्कूल खोलना चाहता है। शी डिसाइड्स टू इलोप विद वाइल्डीप टू पेरिस, शी डिसाइड टू इलोप विद वाइल्डीप, जब यूटेसिया को लगता है कि अब क्लाइम पेरिस नहीं जाएगा, तो वह दोबारा मुड़ करके वाइल्डीप से प्यार करने लगती है और उसके साथ भागने का प्रयास करती है। बट ऑन द वे देयर वॉज फ्लड इन द रिवर, लेकिन रास्ते में उनको नदी पार करना होता है, उसमें तूफान आया होता है। ड्यू टू फियर, तो लोग जब घर से भागते हैं तो उनके पीछे क्लाइम और भी लोग पीछा करते हैं। ड्यू टू फियर यूटेसिया जंप इन टू द रिवर एंड ड्राउंड, डर की वजह से यूटेसिया नदी में छलांग लगा देती है, डूब जाती है। देन वाइल्डीप जंप इनटू रिवर टू सेव हर, फिर वाइल्डीप भी नदी में जंप लगाता है उसको बचाने के लिए। बट ही आल्सो ड्राउंड, वो भी डूब जाता है। बोथ ड्राउंड इनटू रिवर ड्यू टू फ्लड, नदी में तूफान है उसकी वजह से दोनों डूब जाते हैं। दे डाइड अ ट्रेजिक एंड, उनकी एक बहुत ही दुखांत अंत होता है। क्लाइम बिकेम सैड ओवर देयर डेथ, क्लाइम को पता लगता है यूटेसिया की मौत का, तो क्लाइम काफ़ी दुखी होता है। ही सेड, क्लाइम बोलता है, सी इज द सेकेंड वूमन आई हैव किल्ड दिस ईयर, कहता है कि वह दूसरी औरत है जिसको हमने इस साल हत्या कर दिया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ माई मदर एंड यूटेसिया, और कहता है कि वह जो है यूटेसिया और अपनी माँ का, दोनों के मौत का जिम्मेदार है। इस तरीके से आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थॉमसिन टैम्सी,
थॉमसन इज द साइड फीमेल कैरेक्टर ऑफ द नावल रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमसन इस नावल रिटर्न ऑफ द नेटिव की एक साइड कैरेक्टर है। बाय फेमस राइटर थॉमस हार्डी। यह नावल एक प्रसिद्ध राइटर थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा हुआ है। थॉमसन यूब्राइट इज नीस ऑफ मिसेज यूब्राइट। यह मिसेज यूब्राइट की भतीजी एंड कजन ऑफ क्लाइम और क्लाइम की कजन है, कजन सिस्टर हैं। सी इज फेयर। वह एक अच्छी स्वीट गर्ल हैं। सिंपल टेस्ट, साधारण पसंद और साधारण ज़रूरतें उनके हैं। सी थिंक्स वेरी हाईली ऑफ हर फैमिलीज ओपिनियन। उनका उनके परिवार के प्रति काफ़ी अच्छे ख्याल हैं। सी आस्क हर एंट एंड क्लाइम इफ सी शुड मैरी वैन। वह डायरेक्टली अपनी एंट और क्लाइम से पूछती हैं क्या वो शादी कर सकती हैं डिगोरी से। बट सी ऑल्सो हैज़ एन इंडिपेंडेंट माइंड एंड फ्री विल। उनके पास एक स्वतंत्र दिमाग और स्वतंत्र इच्छाएं हैं, विल इच्छा। सी मेक्स अ बिग मिस्टेक इन मैरिंग डैमन वाइल्डीव। वह एक बहुत बड़ी गलती करती हैं वाइल्डीव डैमन से शादी करके। थॉमसन लव्स वाइल्डीव एंड वांट्स टू मैरी विद हिम। थॉमसन वाइल्डीव से प्यार करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। देयरफॉर इसीलिए थॉमसन राइट्स अ लेटर टू डिगोरी नॉट फॉलो हर। वह जो है डिगोरी को एक पत्र लिखती हैं कि वह उनका पीछा न करे, क्योंकि जो डिगोरी वेन है वह भी थॉमसन से प्यार करता है। हर लव वाज टूवर्ड्स डैमन वाइल्डीव। जो थॉमसन का प्यार है केवल डैमन वाइल्डीव के लिए है। थॉमसन इज ए जेंटल यंग एंड इनोसेंट गर्ल। थॉमसन एक साधारण सिंपल नौजवान और निर्दोष लड़की है। एट द एंड ऑफ द नावल सी मैरिज डिगोरी। वेन अंत में जब उनके हस्बैंड की मौत हो जाती है, वाइल्डीव की मौत हो जाती है, तो थॉमसन दोबारा जो है डिगोरी से शादी कर लेती हैं। हु हैज़ लॉन्ग लव्ड हर। जो उनको काफ़ी लंबे समय से प्यार कर रहा था। थॉमसन डिक्लेयर्स दैट सी विल मैरी वाइल्डीव इवन दो हर एंट डज नॉट अप्रूव। एंड सी टेल्स क्लाइम दैट सी इज गोइंग टू मैरी वैन वेदर ही अप्रूव्स और नॉट। जैसा कि उनकी एंट उनकी शादी के खिलाफ थी और वो नहीं चाहती थी कि थॉमसन वाइल्डीव से शादी करे, लेकिन उनके खिलाफ जा करके और अपने कजन ब्रदर इच्छा के बिना ही वह वाइल्डीव से शादी कर लेती हैं। थॉमसन इज ए प्रैक्टिकल एंड थाटफुल गर्ल। वह एक साधारण, एक वास्तविक और विचारशील लड़की है। ए गुड लिसनर, एक अच्छी श्रोता है। एंड एडवाइजर टू मिसेज यूब्राइट, एक अच्छी सलाहकार हैं यूब्राइट के एंड क्लाइम के। वाइल्डीव मैरिज थॉमसन टू गेट रिवेंज ऑन बोथ। वाइल्डीव थॉमसन से शादी करता है बदला लेने के लिए यूटेसिया और यूब्राइट से, क्योंकि यूटेसिया उसके प्यार को मना कर दिया था और यूब्राइट नहीं चाहती थी कि वह उसके योग्य है, इसीलिए वो उन दोनों से बदला लिया था शादी करके। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।